जनता कर्फ्यू के बीच किसने शाहीन बाग में पेट्रोल बम फेंका और जामिया में फायरिंग की? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कोरोना वायरस के चलते 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा था। इस दौरान दिल्ली के शाहीन बाग, जहां पिछले करीब 90 दिनों से नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में लोग धरने पर बैठे हैं, वहां पेट्रोल बम फेंका गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि बम पुलिस बैरिगेड के पास जाकर गिरा था। ये घटना रविवार सुबह करीब 9:30 बजे घटी। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि बाइक पर सवार 3 लोग आए थे, उन्होंने ही पेट्रोल बम फेंका था। तो वहीं एक महिला का कहना है कि मैं पलंग पर बैठी थी, तभी मैंने धमाके की आवाज सुनी और पुलिस को जानकारी दी। बैरिगेड के पास आग लगी हुई थी, जिसे पुलिस ने बुझाया। हम पीएम मोदी का ऑर्डर मान रहे हैं। केवल 5 महिलाएं अभी धरने पर बैठी हैं। पता नहीं लोग फिर भी हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। पुलिस क्या कहती है इस बारे में? साउथ ईस्ट DCP RP मीणा का कहना है, हमें 9:15 बजे कॉल आया, फिर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के SHO तुरंत वहां पहुंचे। हमें वहां जला हुआ एक बैनर, कंबल और बांस की लकड़ी मिली। कुछ टूटी हुई बोतल भी पड़ी हुई थी। सब की जांच हो रही है। घटना की जांच कर रहे एक और अधिकारी का कहना है, अज्ञात हमलावर ने पेट्रोल बम फेंका होगा और पास के रास्ते से भाग गए होंगे। जहां प्रदर्शनकारी महिलाएं बाहरी लोगों को हमले का जिम्मेदार बता रही हैं, वहीं पुलिस दूसरे एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस का ये कहना है कि प्रदर्शन खत्म करने के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों के बीच आपसी झगड़े की आशंका की भी पड़ताल की जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते शाहीन बाग में प्रदर्शन खत्म करने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच ये भी खबर आई थी कि प्रदर्शनकारियों के बीच धरना खत्म करने को लेकर आपस में झगड़ा भी हुआ है। पुलिस ने जब ये सवाल एक प्रदर्शनकारी महिला से पूछा, तो उन्होंने किसी तरह का झगड़ा होने की बात खारिज कर दी। जामिया के बाहर भी हमला हुआ। जिस वक्त शाहीन बाग पर पेट्रोल बम फेंका गया, उसी वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर भी किसी ने पेट्रोल बम फेंका और गोली चलाई, वहां बने प्रोटेस्ट साइट पर। हालांकि उस वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जामिया के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों ने धरना रोक दिया है। पुलिस इस हमले की भी जांच कर रही है। जामिया के गेट के बाहर उन्हें एक टूटी हुई बोतल, एक लाइटर और खाली कारतूस भी मिले हैं।